press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के सुर्खियों पर। खनन माफिया ने सरपंच को उतारा मौत के घाट, अफसरों पर भी किया पथराव। बीमारी से तंग बेटी को पिता ने खिलाया जहर, खुद भी की खुदकुशी। नव निर्वाचित सांसद ने किया धन्यवाद दौरा, विकास के कामों का हुआ ऐलान। मौत के दो साल बाद भी युवक बना पिता, सैरोगेसी से जुड़वा बच्चों का हुआ जन्म। और अब समाचार विस्तार से। सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में खनन माफिया ने गांव के एक सरपंच की हत्या कर दी। सरपंच के साथ ही कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। ये सभी बीती रात बजरी के अवैध खनन की शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए गए थे। यहां बदमाशों ने सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पत्थर भी बरसाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी खनन पर लगे बैन के बाद भी सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बजरी खनन अवैध रूप से जारी है। इसी कड़ी में बौली थाना क्षेत्र के हथडोली गांव में भी अवैध खनन जारी था। इस बारे में सरपंच रघुवीर मीणा को भी जानकारी दी गई। मीणा ने 5 दिन पहले भी खनन करने वालों को खनन करने से टोका था। कल रात फिर से खनन की शिकायत मिलने पर मीणा और कुछ प्रशासनिक अधिकारी समझाइश के लिए गए थे, लेकिन दबंगों ने उनसे मारपीट की। जब वे दौड़ने लगे तो पीछे से भारी पत्थर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान ही सरपंच मीणा के सिर में गहरी चोट लगी। मीणा को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं सरपंच के साथ गए अधिकारियों को भी पत्थर लगने से चोटें आई हैं। रोडी सरपंच के साथ कोई घटना हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी जयपुर है। इस मौके को देखने के लिए SHO के साथ हम जा रहे हैं, फिर जैसी भी सिचुएशन होगी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पर्याप्त जाप्ता मंगा लिया है, आसपास के SHOs हैं, मामला संवेदनशील है, उसी हिसाब से हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। FSL की टीम भी मौके पर बुला रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य बजट में सरकार ने अब बजरी के छोटे पट्टे देने का ऐलान किया है, जबकि आज बजरी कारोबार प्रदेश में मात्र 53 लोगों के पास है। इनमें भी अधिकांश खाने एक ही ग्रुप के पास बताई जा रही है। इसके चलते अवैध खनन पनप रहा है। नई नीति के तहत नदी के पेटे में 2000 खाने सरकारी भूमि पर और 1000 खाने खातेदारी भूमि पर नदियों के सहारे दी जा सकती हैं। हालांकि इसके चलते बजरी ज्यादा मात्रा में निकल पाएगी और आपूर्ति बढ़ने से दरों में कमी के साथ ही गुपचुप खनन में भी कमी आ सकती है। अजमेर में एक पिता अपनी बेटी की बीमारी से इतना परेशान हुआ कि उसे जहर खिला दिया, साथ ही खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला अजमेर शहर के नसीराबाद रोड स्थित नगरा क्षेत्र का है। यहाँ के निवासी 57 साल के राम बाबू अपनी 21 साल की बेटी की हालत से परेशान था, जो मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई थी। वो ना तो बोल सकती थी और ना ही चल सकती थी। वहीं यह युवती दिमाग से भी अधिक विकसित नहीं हो पाई। कई सालों से पिता बेटी की सेवा में लगा हुआ था। राम बाबू अजमेर के पोस्ट ऑफिस में काम करता था, लेकिन 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि राम बाबू ने पहले बेटी को जहर देकर मारा और फिर खुद खा लिया। गुरुवार सुबह 10 बजे जब छोटा भाई जगाने गया तो उसने दोनों को मृत पाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। ये आज से थाने पे सूचना मिली थी कि ये जो प्रकाश रोड है इसमें नगरा पे, इसमें राम बाबू खंडेलवाल है, इसके मकान पे एक एक राम बाबू खंडेलवाल और इसकी बच्ची है जो 22 साल की, मानसिक तौर से विकृत थी।
इसने इस कारण से ये परेशान था और आज रात्रि को इसने पहले अपनी बच्ची को सेल पोस दिया और उसके बाद में स्वयं सेल पोस खा के अपने आत्महत्या कर ली, जिसकी अभी सूचना मिली है। मौका दिखे कार्रवाई के लिए इसकी दोनों बॉडियों को हॉस्पिटल मिलना है। अलवर के नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने अब मतदाताओं का आभार जताने के लिए दौरे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बहरोड़ उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्जन से अधिक ग्रामों में धन्यवाद दौरा किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद के साथ रहे, वहीं ग्रामीणों की तरफ से फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ग्रामीणों की मांग पर सांसद ने लाखों रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। लोकसभा उपचुनाव में विजयी होने के बाद सांसद का यह प्रथम दौरा था। इससे पूर्व विधायक महिपाल यादव, पूर्व चेयरमैन सीताराम यादव, डॉक्टर आरसी यादव, वरिष्ठ नेता बस्ती राम यादव, एडवोकेट राजाराम यादव और सुमन यादव सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। गाँव वालों ने जैसे स्कूल की चार दीवारी की मांग की, तो चार दीवारी पे कुछ राशि देंगे, कहीं पे पीछे भी इस तरह से कहीं शमशान की चार दीवारी मांगी है, कहीं पे पानी मांगा है, कहीं पे खरंजा मांगा है, तो इन मांगों को एक एक करके गाँव के छोटे से कुछ राशि स्वीकृत करेंगे, जिससे कुछ काम चालू हो जाए, फिर ये राशि आगे और बढ़ाते जाएंगे। पुणे में एक ऐसा भावनात्मक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की 2 साल पहले मौत के बाद उसकी मां ने अपने एक रिश्तेदार को सैरोगेसी के लिए राजी किया। इसके बाद बेटे के जीवित रहते प्रिजर्व किया गया सीमन इस्तेमाल कर इस रिश्तेदार की कोख से 12 फरवरी को जुड़वा बच्चों को जन्म हुआ। इनमें से एक बेटा और एक बेटी है। पुणे निवासी 48 साल के राजश्री पाटिल के बेटे की 2 साल पहले जर्मनी में कैंसर से मौत हो गई थी। राजश्री पाटिल पेशे से टीचर है। उसका बेटा प्रथमेश पाटिल 2010 में जर्मनी में पढ़ाई करने गया था। कुछ समय बाद पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है जो 4th स्टेज में पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया लेकिन आराम नहीं हुआ तो उसे वापस भारत ले जाने की सलाह दी गई। 2013 में प्रथमेश को भारत लाया गया। मुंबई में उसका इलाज चलता रहा। आखिरकार सितंबर 2016 में उसकी मौत हो गई। प्रथमेश का कोई भाई नहीं था और उसका परिवार चाहता था कि उनका वंश ना रुके। ऐसे में उसने जर्मनी के डॉक्टरों की सलाह पर वंश बढ़ाने के लिए अपना सीमन पहले ही प्रिजर्व करवा दिया था। 27 साल के प्रथमेश की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में मां ने बेटे की मौत के बाद जर्मनी के सीमन बैंक में कॉन्टेक्ट किया, जहां प्रथमेश के स्पर्म प्रिजर्व किए गए थे। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद प्रथमेश के सीमन को भारत लाया गया। इसके बाद राजश्री ने अपने एक रिश्तेदार को सैरोगेसी के लिए राजी किया। राजश्री ने जुड़वा बच्चों का नाम प्रथमेश और प्रीशा रखा है। उनका कहना है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। गुड़गांव से आंध्र प्रदेश जा रहे कंटेनर चालक मुकेश को अय्याशी के जाल में फंसाकर मारा गया था। आरोपियों ने डीजल और रुपये लूट के इरादे से कंटेनर चालक की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के आरोप में गुड़गांव से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शाहपुरा थाना इलाके के निठारा पुलिया के समीप कंटेनर में यूपी निवासी चालक मुकेश और पिंटू की लाश मिली थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर अहमद जॉन ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ने हाईवे स्थित टोल नाकों पर सीसीटीवी फुटेज देखी। इसके अलावा पुलिस ने कई शराब ठेकों सहित चोरी का डीजल खरीदने वाले होटल ढाबों पर भी पूछताछ की। जांच के दौरान कंटेनर में एक स्त्री और पुरुष के होने की जानकारी सामने आई। वहीं जांच में संदिग्ध आरोपी देवेंद्र कुमार के मोबाइल की लोकेशन जयपुर ग्रामीण की सीमा में पाई गई। इस पर पुलिस ने गुड़गांव में किराए से रहने वाले देवेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी ममता वर्मा को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने रुपये और डीजल लूटने के इरादे से चालक मुकेश की हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी देवेंद्र की माली हालत ठीक नहीं है। घर खर्च चलाने के लिए उसने अपनी पत्नी ममता को गलत धंधे में उतार दिया। दोनों पति पत्नी हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालकों को अय्याशी के लिए इशारा कर रुकवाते थे। घटना से पूर्व कंटेनर चालक मुकेश ने भी ममता को अय्याशी के लिए गाड़ी में बैठा लिया और ममता का पति देवेंद्र भी गाड़ी में सवार हो गया। इसके बाद उन्होंने मुकेश की हत्या कर केबिन के पीछे शव को छुपा दिया था।
प्रदेश में गत वर्ष स्वाइन फ्लू से बांडलगढ़ विधायक की मौत के बाद अब जयपुर शहर के विद्याधर नगर भाजपा विधायक नरपत सिंह रजवी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। बुधवार देर रात उनकी स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के अधिकारियों ने विधायक राजवी को अपनी निगरानी में ले लिया। वहीं विधायक को स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में अब तक स्वाइन फ्लू से 27 मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। वहीं राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू से 81 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल मांडलगढ़ विधायक कीर्ति कुमारी की भी स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। उस समय भी SMS अस्पताल में संसाधनों की कमी को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। राजस्थान में चिकित्सा विभाग तर्क दे रहा है कि तापमान में उतार चढ़ाव के चलते स्वाइन फ्लू का वायरस फिर से एक्टिव हो गया है। ऐसी स्थिति में लगातार पॉजिटिव मरीज भी सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है। पिछले दिनों स्वाइन फ्लू की जांच के लिए 8,000 सैंपल लिए गए, जिनमें से 10% लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग लगातार यही दावा करता रहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो जयपुर में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बांधकर उसकी पिटाई की जा रही है। वीडियो बुधवार 14 फरवरी का बताया गया है, जिसमें चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा जा रहा है। जयपुर के चंद्रवाजी थाना के पास निम्स यूनिवर्सिटी में चोरी की घटना से यह वीडियो संबंधित है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस तक भी ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा। चंद्रवाजी थाना पुलिस का कहना है कि उनके पास भी ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आया है, जिसकी जांच की जा रही है। यह वीडियो अभी व्हाट्सएप और यूट्यूब पर वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार युवक को कॉलेज के अंदर ही बांध कर पीटा गया और जो युवक उसे पीट रहा है वो निम्स विश्वविद्यालय का ही बीटेक का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। पिटाई करने का आरोपी बिहार का रहने वाला है। वहीं पिटने वाला युवक चोरी की घटना के बारे में जानकारी होना कबूल कर रहा है। अब पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है और घटना का पता लगाया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। खनन माफिया ने सरपंच को उतारा मौत के घाट, अफसरों पर भी किया पथराव। बीमारी से तंग बेटी को पिता ने खिलाया जहर, खुद भी की खुदकुशी। नव निर्वाचित सांसद ने किया धन्यवाद, दौरा विकास के कामों का हुआ ऐलान। मौत के 2 साल बाद भी युवक बना पिता, सैरोगेसी से जुड़वा बच्चों का हुआ जन्म। स्पार्कल प्राइम इंडियन न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।